हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं लक्ष्मण चिंता फिर से आ गया हूँ कास्ट जेडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले ब्लॉगिंग उसमें देख के बताना, नए लोगों के साथ ज़्यादा बढ़िया लग रही है फिर पुराने लोगों के साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन से वाले लोगों में ज़्यादा बढ़िया लग रही है XUV 700। इसके अलावा एक और अपडेट आई है महिंद्रा की XUV 700 की, अपडेट नहीं एक वीडियो आई है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर महिंद्रा की XUV 700 है जो वो टेस्टेड की जा रही है। यहाँ पे 8 गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी एंड इसका रैप भी आपको अलग ही देखने को मिलेगा। XUV 700 की थीम का आपको रैप देखने को मिलेगा कम्प्लीटली पूरी गाड़ी के अंदर। 7 सेकंड की वीडियो के अंदर इसमें आपको 8 गाड़ियाँ स्पोर्ट करके दिखाई हुई है जिनकी रैपिंग वगैरह सब सेम है। अब ये नहीं कहा जा सकता ये 8 अलग अलग वेरियंट की टेस्टिंग है या फिर एक ही वेरियंट की टेस्टिंग है जो फिर 8 अलग अलग जगह टेस्ट हो रही है, क्योंकि टेस्टिंग में अलग अलग ड्राइवर रखते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल ड्राइवर रखते हैं जिसके बेस पे वो ड्राइव करके बता सके कि इसमें क्या कमी है एंड इसके फीचर्स वगैरह टेस्ट आउट होते हैं कि वो प्रैक्टिकल भी हैं या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अलग अलग कलर्स नजर आएंगे इस गाड़ी के। सारे कलर तो मेरे को ठीक लगे, ये जो एक पर्पल सी शेड में कलर है वो मेरे को थोड़ा सा अलग लगा, उसका मेरे को वो कलर थोड़ा पसंद भी नहीं आया पर्सनली। आपको पसंद आया या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस गाड़ी में आपको 2 इंजन देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फर्स्ट इज डीजल इंजन, 2.2 लीटर का डीजल इंजन एंड सेकंड वन इज 2 लीटर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 200 bhp की पावर। बाकी इस गाड़ी के कंप्लीट फीचर डिटेल आपको प्राइ बटन में देखने को मिल जाएगी। और एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो न्यू लोगो है वो आपको मे बी पुरानी गाड़ियों में देखने को नहीं मिले कि आप सोचे कि पुरानी गाड़ियों में भी चेंज किया जाएगा लोगो, ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ जो अपकमिंग आने वाली गाड़ी है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्टार्टिंग महिंद्रा की XUV 700 से हुई है। क्योंकि सारी गाड़ियों के लोगो वगैरह चेंज करना पीछे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बोलेरो नियो अभी नहीं आई है, उसको फेसलिफ्ट वगैरह लॉन्च करके दोबारा नया लोगो डाले तो फिर इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। आपको जो अपकमिंग गाड़ियां देखने को मिलेंगी महिंद्रा की तरफ से, जो भी इसकी अपकमिंग SUVs आएंगी, क्योंकि महिंद्रा SUV मेकर है, जो भी आपको इसकी अपकमिंग SUV देखने को मिलेगी उसमें आपको नया लोगो देखने को मिलेगा, जिसकी स्टार्टिंग महिंद्रा की XUV 700 से की जा रही है। और बाकी ये गाड़ी अब आपको बहुत जल्द इंडियन कार मार्केट में देखने को मिल जाएगी। 15 अगस्त को ये गाड़ी डिब्यूट हो रही है एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इस गाड़ी की 2 अक्टूबर रखी जाएगी। एक्सपेक्टेड है, मे बी ये ना अभी थोड़ा सा कन्फर्म भी लग रहा है, 80% चांसेस है कि डेट कंफर्म ही है, आपको 2 अक्टूबर कंफर्म देखने को मिल जाएगी ये गाड़ी इंडियन कार मार्केट के अंदर। अभी तक कम्प्लीटली ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है, इसके फीचर्स वगैरह देख के, इसके लुक्स वगैरह देख के, इसकी वीडियोस वगैरह देख के कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अभी तक हमारे पास इस गाड़ी से रिलेटेड एंड महिंद्रा से रिलेटेड इतनी डिटेल आई थी, वो हमने आप तक प्रोवाइड कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।